बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज के पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ चुकी है। ओपनिंग डे पर ही पठान ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। केवल 7 दिनों के अंदर ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 634 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। देश और दुनिया भर में पठान को लेकर अलग अलग खबरें सामने आई है। अब इसी बीच पठान को लेकर एक नई खबर सामने आई है। दरअसल कहा जा रहा है कि पठान को पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर दिखाया जा रहा है और फिल्म के टिकट को 900 रुपए में भी बेचा जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की रिलीज पर बैन लगा हुआ है। यह बैन पिछले 4 साल से लगाया गया था। पाकिस्तान को छोड़कर शाहरुख खान की पठान को 25 जनवरी को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। पहले ही दिन पठान ने प्रभास स्टारर बाहुबली 2 और यश की फिल्म केजीएफ 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पठान का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़ के बोल रहा है। अब इसकी लोकप्रियता पाकिस्तान तक जा पहुंची है। भले ही आधिकारिक तौर पर पठान पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई है, लेकिन इस फिल्म को वहां गैर कानूनी तौर पर भी दिखाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में फेसबुक पर एक पोस्ट साझा किया गया था, जिसमें बताया गया है कि कराची में पठान की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस विज्ञापन में एक टिकट का दाम 900 रुपए बताया गया। इस फिल्म की कास्ट को लेकर बताया गया है कि इसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जॉन इब्राहिम, डिंपल कपाड़िया होने वाले हैं। यह विज्ञापन तुरंत ही वायरल हो गया। फिल्म की क्वालिटी से लेकर स्क्रीनिंग टाइम तक के बारे में लोग सवाल पूछने लगे। इस पर जवाब दिया कि फिल्म की क्वालिटी HD तो नहीं है, लेकिन साफ है कुछ लोगों ने पाकिस्तान में पठान की स्क्रीनिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब यह विवादित फिल्म पाकिस्तान में बैन है तो इसे यहां क्यों दिखाया जा रहा है। इसके जवाब में उन्हें एक फोन नंबर देकर कहा गया कि वे इस पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। पाकिस्तान में विज्ञापन के जरिए लोगों को बताया गया कि पठान की स्क्रीनिंग डिफेंस हाउस अथॉरिटी में की जाएगी। जिस कंपनी ने पाकिस्तान में फिल्म की स्क्रीनिंग रखी है वह UK बेस्ड है और उसका नाम फायरवर्क इवेंट्स है। बहरहाल पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपने कमेंट बॉक्स में के साथ इस अपडेट के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।